हेलो क्लास सेवन चिल्ड्रन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है एनवायरनमेंट, तो इसके सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। अगर ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए तो चैप्टर आपके लिए आज हो जाएगा बहुत आसान। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म है एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो सिंपल, अगर हम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन समझें तो एनवायरनमेंट मीन्स आर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट वो जो हमारे चारों तरफ है, हमारा जो सराउंडिंग है वही हमारा इन्वायरमेंट है। अब टेक्निकली इस वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। ये जो वर्ड है ना इन्वायरमेंट, ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच। और फ्रेंच वर्ड कौन सा है? इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसका मतलब होता है नेबरहुड, राइट? तो इन्वायरमेंट का मतलब हमारा सराउंडिंग, और ये वर्ड फ्रेंच वर्ड से लिया है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट का मतलब आर नेबरहुड। अंडरस्टूड? एज यू कैन सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर में भी एक तरह का इन्वायरमेंट है। मैंने हर टर्म्स के साथ कुछ पिक्चर्स अटैच की हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं? इन्वायरमेंट के थ्री कॉम्पोनेंट्स हैं। ये वही डायग्राम है जो आपकी बुक में बना हुआ है। तो इन्वायरमेंट के जो कॉम्पोनेंट्स हैं ये हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, यू कैन सी हियर नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब हम इन कॉम्पोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट वो है विच इज़ मेड बाई नेचर, जो प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, तो वो है नेचुरल इन्वायरमेंट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, घास है, मिट्टी है, ठीक है ना, हमारी हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये क्या है? दिस इज़ द पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, है ना, नीचे रोड हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो ये प्रकृति तो ऐसी चीज़ें बनाती नहीं, ये किसने बनाई? ये इंसान ने बनाई है। तो ये जो इन्वायरमेंट है विच इज़ मेड बाई ह्यूमन, सो दिस इज़ इन्वायरमेंट विच इज़ मेड बाई ह्यूमन, दिस इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसमें बिल्डिंग्स, रोड, सिटीज़, ये सब हैं, तो ये इंसान ने बनाया, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टर्म ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ दैट इन्वायरमेंट जिसमें इंसान खुद आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स खुद इसका पार्ट होते हैं, राइट? फिर वैसे तो देखो, वैसे तो इंसान जो है वो प्रकृति ने बनाया है, वो एक नेचुरल बींग है, प्रकृति ने बनाया है। लेकिन इंसान से रिलेटेड इंसानों के ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए इंसानों ने अपना जो एक इन्वायरमेंट है उसकी एक सेपरेट कैटेगरी बना ली है। ठीक है, तो यह है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स आ गए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। और क्या क्या है? तो ह्यूमन बींग एज इंडिविजुअल, उसकी फैमिली, ठीक है, कम्युनिटी। तो जहाँ जहाँ इंसानों के ग्रुप हैं वो सारे ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। एक चीज़ और है, वो क्या है? इंटेंजिबल थिंग्स, वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों को इंसान फॉलो करता है। इंटेंजिबल मतलब जिसको वो टच नहीं कर सकता लेकिन उनको फॉलो करता है। जैसे कि धर्म हो गया, आप धर्म को छू नहीं सकते लेकिन आप धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट बनाती हैं। आई समझ में बात? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट में इंसान है और वो सारी चीज़ें जिनको इंसान फॉलो करता है, तो ये है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अगला हमारा टर्म है दैट इज़ बायोटिक। तो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, अब हमें इनको समझना है। तो लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे आपको घास दिखाई दे रही है, कुछ बिल्ली के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं। तो आप इन्हें किस में काउंट करोगे? बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट के जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं ये वो हैं, राइट? बायोटिक जो जिंदा हैं, जो नेचर ने बनाए हैं और लिविंग हैं, बायोटिक। उसके बाद है एबायोटिक। एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं? ये वो एलिमेंट हैं जो नॉन लिविंग हैं। ठीक है, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, रॉक्स हैं, ये सब। तो इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे कि वाटर है, राइट, एक माउंटेन है,
और कुछ रॉक्स हैं, और ये जो स्काई है, एयर है, सनलाइट है, तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये एबायोटिक हैं, इनमें जीवन नहीं है, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट का ही ये पार्ट है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के वो पार्ट जिनमें जीवन है, जो लिविंग है, वो हो गए बायोटिक, और जिनमें जीवन नहीं है वो हो गए एबायोटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर क्या होता है? वेरी सिंपल, लिथोस्फियर इज डोमेन ऑफ लैंड, यानी कि जमीनी हिस्सा, राइट? तो लिथोस्फियर में क्या क्या है? सॉलिड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सॉलिड आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपरी हिस्सा। ठीक है, तो अर्थ का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा, जिसपे हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हम घर बनाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग लैंड, और समुद्र की सतह के नीचे जो पार्ट है वो भी इसमें काउंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ओशियनिक क्रस्ट होती है, वो लिथोस्फियर जो जिससे कॉन्टिनेंट बने हैं और ओशियन का बेस बना है वो। तो लिथोस्फियर इज द लैंड, डोमेन ऑफ लैंड, राइट? सिंपल। उसके बाद है हाइड्रोस्फियर। तो हाइड्रोस्फियर क्या होता है? डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ जहाँ वाटर अवेलेबल है ऑन अर्थ, तो उस सारे डोमेन को हम हाइड्रोस्फियर कहते हैं, एज यू कैन सी वन इमेज हेयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो एंटिटी ऑफ अर्थ वाटर, जिसमें ओशंस आ गए, सी आ गए, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, इंक्लूडिंग एटमोस्फियरिक वाटर, तो सारा का सारा पानी जहाँ जहाँ है, तो पानी वाला जो पार्ट है उसको हम हाइड्रोस्फियर कहेंगे। अगर आप कहीं घूमने गए और आपके सामने कोई झील है, कोई तालाब है, तो आप उसे किस चीज़ में काउंट करेंगे? आप उस पानी वाले पार्ट को हाइड्रोस्फियर कहेंगे। सिंपल। उसके बाद है नेक्स्ट एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर क्या है? लेयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ गैसेस कह लो, या लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ जो हवा की, वायु की जो लेयर है, ठीक है, और जो पृथ्वी से अटैच है, अर्थ से अटैच है बाय ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी से ही वो अटैच है। तो लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज एटमोसफियर। सो सिंपल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जो कि हम फर्दर चैप्टर में, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है बायोस्फियर। बायोस्फियर क्या होता है? बायो, बायो मतलब जीवन, लिविंग, है ना, लिविंग वर्ल्ड। तो जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे वो वाली जोन जिसपे जीवन है ना, डोमेन ऑफ लाइफ। सिंपल शब्दों में कहें तो डोमेन ऑफ लाइफ, तो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये बायोस्फीयर बनता कैसे है? ये बायोस्फीयर बनता है तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे क्या होगा? देर विल बी लैंड, देर विल बी वाटर, एंड देर विल बी एयर। तो ये तीन चीज़ें जब जीवों को उपलब्ध हो जाएंगी तो वो अच्छे से जी पाएंगे, राइट? तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, यानी कि लिथोस्फीयर, जमीन पे लोग रहते हैं, है ना, फिर बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और अवेलेबिलिटी ऑफ एयर यानी कि एटमोस्फियर, ये तीनों स्फीयर मिलते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। अब एक छोटी सी चीज़ को आप समझो, ये मत समझो कि बायोस्फीयर के लिए वाटर बॉडी वहीं होनी चाहिए, जमीन भी वहीं होनी चाहिए, है ना, और एटमोस्फियर वो तो हर जगह अर्थ पे है ही, नो डाउट। तो देखो, यहाँ पे जैसे आप हो, आप अपने स्कूल में बैठे हो, तो क्या आपके पास एटमोस्फियर है? लिथोस्फियर है, लैंड है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोस्फियर, वहाँ कोई तालाब नहीं है। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, पानी अवेलेबल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर जगह तालाब हो तब हाइड्रोस्फियर का कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं, वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल हो, हवा है, वायु है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये चीज़ें हर जगह हैं, ये तो एवरीवेयर है। ठीक है, लैंड जिस पर हम रहते हैं, इस पे हमारे रोड बने हैं, हमारे घर बने हैं, हम रहते हैं, आप स्कूल में, आपकी बिल्डिंग बनी है स्कूल की, राइट? लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर आपके घर तक पाइपलाइन के थ्रू अवेलेबल होता है, आप बोतल में वाटर लेकर आते हैं, स्कूल में भी वाटर अवेलेबल होता है, तो बायोस्फीयर क्रिएट हो गया, जाहिर सी बात है, और ये सब जीवों के लिए बनता है, राइट? सभी, हम सभी, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हम इसीलिए हैं इस पृथ्वी पे, क्योंकि यहाँ पे तीनों के कॉम्बिनेशन से बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो बायोस्फीयर बनता तो हम यहाँ पे हैं, ठीक है? तो बायोस्फीयर इज अ डोमेन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट टर्म इज, दैट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं,
और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। तो क्या होता है, इकोसिस्टम में जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही तरह के, बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही तरह के एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मटीरियल, एनर्जी और मटीरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उससे एक दूसरे का जीवन संभव हो जाता है। हुडजेन भी इसी का पार्ट है, ठीक। तो ये ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है, जीव है जो इस धरती पर आराम से रहते हैं, एक दूसरे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं। बायोटिक एबायोटिक दोनों तरह के एलिमेंट हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो यही इकोसिस्टम है और इसी इकोसिस्टम से उनका जीवन संभव हो पाता है। नेक्स्ट फिर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये जो स्पेशल डे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक किया जाए कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट डे बाई डे ख़राब होता जा रहा है, एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, हम तरह तरह के पोल्यूशन क्रिएट करने लग रहे हैं, तो हम थोड़े से सेंसिटिव हो पाएँ, ठीक है ना, जो भी इश्यूज़ हैं उनको ग्लोबली एड्रेस किया जाए। तो वो इसलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी, जहाँ सामान के बदले सामान दिया जाता है, पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। तो सामान को एक्सचेंज करने की ये जो तकनीक है, ये जो टेक्निक है जिसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट टर्म है डोमेस्टिकेट। तो डोमेस्टिकेट वर्ड हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, टू अडॉप्ट वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, जिनको हम इंसान के इस्तेमाल के लिए के लायक बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन और डोमेस्टिकेट करना। यहाँ पे देखो ये आंटी इस डॉग को इंसानों के रहने लायक ट्रेंड कर रही हैं, उनके साथ रहने के लिए, है ना। तो डॉग का हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे डॉग को डोमेस्टिकेट किया। इसी तरीके से हमने और भी बहुत सारे जीवों को डोमेस्टिकेट किया है, राइट, यानी कि इंसान के साथ रहने लायक बनाया है, डोमेस्टिकेट करना। उसके बाद है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बातचीत करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ इन्वॉल्विंग स्पीकिंग राइटिंग और अदर मेथड्स। तो यानी कि हम कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, लिख कर, बोल कर, और बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करके, ईमेल यूज़ करके, और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके, मूवीज़ के ज़रिए, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इस तरीके से होता है। तो इसके साथ ही हमारे सारे टर्म्स कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 के टर्म्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।